हेलो एवरीबॉडी, तो ये है हिस्ट्री एमसीक्यू का लेसन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक ग्रंथ है? तो उत्तर वैदिक मतलब बाद में जो सबसे पहले बाद में जो ग्रंथ लिखा गया था। तो ऋग्वेद तो सबसे प्राचीन है, बाकी जितना भी है सब उत्तर वैदिक है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। दूसरा, वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो अधिकार तो नहीं था, तो इसमें आएगा ए, और ये गलत है ऊपर वाला। सही स्पष्टीकरण बी नंबर का सही होगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, सही जवाब। तो तीसरा क्वेश्चन, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षत्रिय और वैश्य दोनों यज्ञ करने के अधिकार प्राप्त थे, ये तो बात सही है। शूद्रों को अछूत माना जाता था, ये बात भी सही है। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, ये बात भी सही है नहीं है। कौन सा कथन सही है? तो ए कर दूँ होगा, ठीक है, सॉरी ए कर दूँ नहीं होगा, एक और तीन होगा, शूद्र नहीं होगा इसके, एक और तीन होगा। चौथा क्वेश्चन, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई गण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई, ये बात सही है। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था, ये बात भी सही है। पाँचवा क्वेश्चन, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। ये जनपद बस्तियाँ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तीनों जगह पर है ये। छठा क्वेश्चन, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महाजनपद के कई राजधानियां किलेबंद की गई थी, ये सही बात है। राजा सेना रखने लगे थे, वेतन दिया जाता था पूर्णतः भुगतान करके, ठीक है, तो ये बात सही नहीं है, एक नंबर सही है। सातवां क्वेश्चन, महाजनपद की कर्म प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कर प्रणाली तो एक वन थर्ड ले लिया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था कारीगरों को, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, सॉरी दूसरा ही सही है, पहला गलत है। महाजनपद की कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, ठीक है। व्यापारियों को सामान खरीदने पर बेचने पर दिया जाता, ठीक है। खास संग्राहक को कर मुक्त था, ये गलत है, ए कर दू होगा। नवा सवाल, प्राचीन महत्वपूर्ण कौसाम्बी किस में से कहाँ पर स्थित है अभी? तो ये होगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। दसवां क्वेश्चन, महाजनपदीय युग में कृषि में दो बड़े परिवर्तन आए थे, तो परिवर्तन के संदर्भ में क्या है विचार कीजिए। हल के फलब लोहे के बने लगे थे, ये बात सही है। लोगों ने धनी कृषि बीज छिड़क कर करने बजाय धन के पौधे को रोपण शुरू कर दिया, दोनों सही है। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा और सोन नदियाँ से होकर गुजरती थी, सही बात है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, सही बात है। इस क्षेत्र में लोहे की खदानें हैं, सही बात है, तीनों सही है। बारहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मगध का शासक नहीं रहा? तो कौन नहीं रहा? प्रसजनीत, ये नहीं रहा। तेरहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रही? तो कौन सी नहीं रही कभी? राजगिरी तो रही, पाटलिपुत्र भी रही, तो मुझे लगता है सरस्वती, ये नहीं रही, सही जवाब। चौदह, सिकंदर द्वारा अपने विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर सेना के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, ये बात सही है। सिकंदर की सेना भारत के शासकों को पैदल रथ और हाथियों के बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी, ये भी सही है, एक और दो दोनों सही है। पंद्रहवां क्वेश्चन, मगध के निकट ही वज्जी राज्य था, वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी की राज वैशाली थी। सोलहवां क्वेश्चन, गण या संघ के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र संघ कहलाता था, सही है। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण संघ से संबंधित थे, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, सॉरी दूसरा ही सही है। गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो गुप्ता ने की थी। दीघ निकाय से निम्नलिखित में से क्या है? दीघ निकाय, दीघ निकाय बौद्ध से है। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो उसका नाम था वस्कर, ठीक है, सही जवाब। तो ये था इनिशिएटिव, तो बने रहो। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, अगर आपको इंटरटेनमेंट चाहिए तो आप तो नहीं देखोगे, लेकिन अगर आप जेन्युइन कंटेंट अगर चाहते हो तो बड़ा मस्त है यार, फॉलो करो।